वहाँ भगत बैठे थे, गरीबदास जी तो आते देखा सब खड़े हो गए, किसी ने उनका चारा लिया, सिर से उतारा, दंडवत प्रणाम करी और भक्तों ने पूरा सत्कार दिया अपने गुरुदेव को। अब वो राम राय खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यू कौन है, क्या बात है ये, इसको आदमी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो सिंपल सा आदमी है मेरे जैसा। और गरीबदास जी के 1400 एकड़ जमीन थी उस समय, 1400 किले। उधर से राम राय भी एक अच्छा जमींदार था, 500-600 एकड़ जमीन उसके भी थी, किसान था वो भी सरदार जी। अब उसने सोचा यू किसान बताओ है, अच्छी जमीन है इसके, अभी सुना मैंने, और बैल बाल बांध रखे, इन्हें सोचा यू मेरे कैसा किसान है, इसके ये मजदूर होंगे जो इसको प्रणाम करें। अब उसने पूछा रहे ये कौन है भाई, उन्होंने बताया गरीबदास जी के शिष्यों ने कि महाराज हैं गरीबदास जी, ये बड़े महापुरुष हैं पहुँचे हुए। अब राम राय बैठ गया जमीन के ऊपर, कलेजा पकड़ के, अगी इतनी दूर आया और खोदा पाड़ और पाई चुया, यू महाराज जी पाया, देख मेरे कैसा किसान रहे तरह के जो भैया। अब वो अंतर्यामी थे गरीबदास जी, उसकी सारी देख रहे थे, योग भगत तो फ्यूज हो गया। उधर से गरीबदास जी ने जितने वहाँ 5-4 भगत थे उनसे कहा, किसी को तो बैलों को चारा डालने की सेवा दे दी, किसी को कहा भी बैलों को पानी पिला लाओ तालाब पर जा करके, सब इधर उधर कर दिए, और अपने लिए एक बाल्टी रखवा ली पानी की नहाने के लिए। गरीबदास जी सामने नहान लग गए पाटड़े पर बैठ के, और वो सामने बैठा था उसको बैठा दिया चारपाई पर, राम राय को बैठ जा। अब उस राम राय वहाँ बैठ गया, अब चल इतनी दूर आया इस तरह पूछते लो कि साग महाराज से हो, इस दृष्टिकोण से वो बैठ गया। अब गरीबदास जी नहाने लगे, स्नान करके वो उठे। अब गांव में क्या है, यहाँ हरियाणा के अंदर धोती बांधा करते पहले तकरीबन सभी किसान या कोई भी था, अब उस धोती का ही एक बेल्ट बना करते एक हिस्से की आधी ऐसे बांध लेते थे, उसी का एक टुकड़ा उस अलग नहीं करते थे, ऐसे लपेट करके बेल्ट बांधा करते ऊपर के, जहाँ बेल्ट बांधती है उसी कपड़े को ऐसे, उसको अड़बंध बोलते हैं अड़बंध। तो गरीबदास जी ने नाक है और धोती ऐसे लपेट ली और फिर कहा उससे कि राम राय से कि भाई सरदार जी एक भाई है, मेरे हाथ का चोट लगी हुई है, उंगली काम नहीं करती और ये मेरी धोती का गांठ लगा दे। तो उस शरीर के चारों तरफ के ला के फेर कर ऐसे गांठ लगानी होती थी, वो धोती शरीर के अंदर से निकल जाती और गांठ धोती का लग जा, शरीर के चारों तरफ नहीं रहे। अब उसने सोचा ये कहीं तेरे से धोखा लग गया, तो उसने फेर निकाल ली और फिर गांठ लगानी चाहिए, वो फिर उसी तरह शरीर के अंदर से निकल गए और वह धोती का गांठ लग जा। गरीबदास जी ने वो फेर रखा था कि इसकी फड़क निकल दे सारी। अब जैसे ये धोती थी उसका एक हिस्सा ऐसे कर लिया करते थे किसान, ऐसे ऐसे करके, और फिर उसको उसको बांधते थे, फिर शरीर के चारों तरफ के वो धोती से कनेक्टेड रहती थी शेष के, और ऐसे शरीर के चारों तरफ के वो लावे और गांठ नो लानी थी, वो नो खींचा शरीर में निकल जा, धोती का गांठ लग जा। अब तीसरी बार भी जब यह सतीथि हो ली, उसने ऊपर ने देखा कि देखा तो नहीं है तेरे का, कहते नहीं, सोचा अच्छा बड़ी बूझ गांठ भी ना लगती इस तरह। जब उसने ऊपर को देखा, वो राम राय था विष्णु जी का पुजारी, तो गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा विष्णु जी जैसा हो गया, सिर पर मुकुट, चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म। जब उसने नो देखा चरणा में पड़ गए और गरीबदास जी ने बोला, अरे मैं तेरे कैसा किसान हूँ, या गांठ क्यों ना लगती तेरे तह। तब उसने देखा जानते को तेरे की दवाई आम व्यक्ति नहीं है, चरण पकड़ दिए। अब ऐसी लीला करे बिना वो राम राय सुने नहीं कुछ, यू ज्ञान ही साठपट। अब राम राय विवश हो गया, अकी तो भाई परम शक्ति है, विष्णु जी अवतार आए हैं, विष्णु जी ना है तो उसका अवतार जरूर है, मतलब हमारी ऐसी धारणाएं होती हैं, तो इसलिए उसको ये ज्ञान सुनाना शरण में लेना, कहते हैं सौ सल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज, तो मालिक ने वाली लीला बख्शी।
रजा बख्शी उस पर, वो ज्ञान सुनाया सारा, एक हफ्ता रोक क्या खूब, वो फिर जानने कड़े दिल करे था उसका, रंग दिया रंग में। तब उसने कहा कि भगवान ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया जो आज आपने बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि ये ज्ञान भाई भगवान ने बताया मेरे थे, वो स्वयं आए थे, वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं जो काशी में एक धानक की भूमिका, जुल्हे की भूमिका करके गए हैं, और आपके गुरु नानक देव जी के भी वही गुरु थे। अब वो तो राम राय तो सारी मान गया, बाकी सिख समाज मानो चाहे ना मानो, तो क्या बताते हैं हम सुल्तानी नानक तारे। गरीबदास जी कहते हैं कि मेरा भी उद्धार किया, अब्राहिम सुल्तान अधम का उद्धार किया, और नानक जी का उद्धार किया, और दादू दास जी का उद्धार किया उसी कबीर परमात्मा ने। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमा है कबीर हुआ। अब राम राय जी कहने लगा सरदार जी, अब उस क्योंकि शुरू में यह ज्ञान इंसान सुने है, कभी सच्चा कभी झूठा, नानू नहीं ऐसे नहीं, तो उसका दिमाग झूम रहा था इस कारण से भी, और वैसे भी उसका उर्फ नाम झुमक रहा था। तब गरीबदास जी ने कहा कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रई झुमकरा, कोट्यो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रई झुमकरा। अब गरीबदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान मन बताया ना, पहले तो किसी के पास यू है नहीं, और जो बाकी जो विद्वान बने फिरे हैं कहते हैं वेदों को जानते हैं, उनका पैसे उपनाच है, वो कथा करते फिरे हैं, पैसे कमावे हैं, दुनिया को ठग रहे हैं, उनके पास खक नहीं। और कहते करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान के बताने वाला नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, अरबों में। अब जैसे पुण्यात्माओं कबीर पंथ, कबीर पंथ देश भर के गुरु इसमें, और जहाँ देखे वहाँ कबीर पंथी, तो उनके पास कख नहीं है, वो उनके पास विधि नहीं है सही, तो वो भी काल के ही जाल में है। अब क्या बताया है कि अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे किसी ने ज्ञान सुन लिया और इस दास से तीनों मंत्र प्राप्त कर लिए, और गुरु द्रोही होकर के नाम दान देने लग गया, ज्ञान भी वही बोलेगा, नाम भी वही दे रहा है, लेकिन वो गर्क नहीं, उसको अधिकार नहीं, वो तो दुश्मन है जीव का। तो ऐसे मान लीजिए किसी ने कबीर साहब की वाणी कबीर सागर पढ़ लिया, जैसे कबीर पंथियों का आज तक जिसका भी इतिहास देखा है, जिसके भी वहाँ से यहाँ से साए हैं, उन्होंने बताया है कि वो ये नाम देते हैं, वो ये नाम देते हैं, और कोई कुछ नाम देता है, कोई एक पूरा मंत्र सा बता देता है, पाताले सब सिंधु नाम फलाना नाम, और कोई नाम देता है श्री गुरु सतगुरु वे नम, ये एंड बैंड बोले सारे, और ये कुछ एक इनमें से कबीर साहब की यह सृष्टि रचना सुना के थोड़ा बहुत कथा कुथा सुना के दिखा जानो, ये विवाह विवाद बताएं इस दास की तरह, और जैसे ये राधा स्वामी वाले पंथ के भी सचखंड और सतलोक की जो हमारे रेल बना रहे थे, इन्हें कह कह भी ना पता, तो ऐसा लगे कि ये भी सचखंड की बात करें और वो भी सचखंड की बात करें, वो भी कबीर साहब के बारे में कहता है, तो ये नकली है सारे, ये गर्क नहीं है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं है, इनके पास सब कुछ ज्ञान भी हो गया कि आपका ये रोग है, और उसने बता दिया तेरा ये बीमारी है, सुनकर किसी और ने बता दिया तुझे ये रोग है, और औषधि है नहीं तो क्या फायदा उस ज्ञान का, वो तो डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास यह जड़ी है, और रोग भी बताओगा और जाते ही दवाई देगा ठीक हो जाएगा। तो कहा है कि कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा, अरबों में। जैसे एक गांव में अगर 10,000-15,000 व्यक्ति रहते हैं, उसमें 5,000 गुरु पाओगे, थोड़े बताऊं बल्कि ज़्यादा बेसिक हो जाए। जैसे किसी के बालक के कोई तकलीफ होगी, पहले तो उसकी सास कहेगी बेटी बार लीगा दर्द दे 100 रुपया, फिर पड़ोसन आवेगी क्या हो गया बेटी 41 का ऐसे ऐसे हो गया, अग भीतर लीगा दर्द दे 2 रुपये, एक और आवेगी इसका नज़र हो रही है तो राय पर मिट्टी ठा के फेंक दे इसके ऊपर के, चौथी आवेगी गुड़गम वाली की बोल दे,
यानी एक के ऊपर पांच मास्टर हो जाएंगे गुरु, ऐसे ऐसे हर घर में एक एक दो दो जरूर पाओगा। कोई ब्रह्मा की पूजा बतावे, कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई भैरव की, कोई भूत की, ये बतानी है नरे। और कोई फिर कहे ब्रह्म पूजो वशिष्ठ ऊपर भगवान नहीं, इनकी भी गिनती नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि अर्जुन बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी पूजा करता है, ब्रह्म तक पहुंचती है उसकी बुद्धि, ना तो अन्य देवताओं में फंसे रहते हैं। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव यानी वो परमात्मा तत्ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से उसकी शरण में जा। कहते ऐसे बताने वाला कोई संत के वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि का रचने वाला है। कहते ये बताने वाला साधु तो मुश्किल तो मिलेगा। तो उसी दृष्टिकोण से गरीबदास जी कह रहे हैं कोटो मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई ग्रह सुनो रह झूमक रहा, तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमक रहा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रह झूमक रहा। तो गरीबदास साहिब ने कहा था भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का, ये है वो कुल का दाता, कबीर इज गॉड, और इसी की पूजा करो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक सत्य पुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये कबीर देव हैं, कबीर साहेब हैं, जो भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर एक शिशु रूप धारण करके एक लहर तारा नामक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी जानकारी आप ही बताई है। और उस परमेश्वर के बताए ज्ञान से काल के दूतों ने अपनी अलग अलग दुकानें खोल ली, सब सचखंड सतलोक के गीत गान लगे। उनको कह कह का पता नहीं सचखंड क्या होता है, सतनाम किसे कहते हैं, और सतलोक सार नाम सतशब्द सतनाम ये क्या चीज है, इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी जिनको परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने गुण अपनी लीला अपनी महिमा के अनुसार अपने स्वभाव अनुसार जो लीला करते हैं उस लीला के माध्यम से वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा में आकर के प्राप्त हुए थे। उनको फिर अपना सचखंड दिखाया, अपना सतलोक दिखाया, सर्व ब्रह्मांडों की स्थिति दिखाई, सभी भगवानों की स्थिति से परिचित करवाया, फिर उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मृत जान लिया था। घर वालों ने, कुल के लोगों ने इकट्ठा होकर के उनको चिता पर रख दिया था, अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी। उसी समय परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर परमेश्वर ने उस आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपनी आँखों देखा सचखंड का जो ब्यौरा दिया, वो परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था उससे ज्यों का त्यों मेल खाता है। गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि हम देखा सो सच है, और सकल प्रपंच हमने जो आँखों देखा भगवान की महिमा कबीर परमेश्वर जी की महिमा वो सत्य है, और बाकी सब प्रपंच फलाए बैठे हैं। उनके विषय में कहा कि
बेखों के लश्कर फिरे, बेख मीन पंथों के, ये पंथों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोड़ के टोड़, पता नहीं कितनी दुनिया ने घेरे बैठे हैं ये लोग। बेखों के लश्कर फिरे ये वाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये चौरासी के ढोर। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो कबीर परमेश्वर की वाणी को चुरा कर अपनी दुकान न्यारी खोल ली, पंथ चला दिए, सचखंड का ठेका ले लिया, उनको पता कुछ भी नहीं है, तो उनके विषय में कहा कि ये बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने पूरी सेना की सेना, और ये वाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी को चुरा कर ये स्वयं संत बन बैठे, और अब सच्चाई को स्वीकार भी करने को तैयार नहीं, इतने कट्टर हो गए। वो संत भी और उनके अनुयायी भी कहते हैं सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये चौरासी के ढोर, ये सत लोग नहीं जा सकते यही 84 लाख योनियों में, यहीं पर अपना भटकते रहेंगे। पुणात्माओं, हम यहाँ काल के जाल में कैसे फंसे, और हम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हैं फिर भी मृत्यु पसंद नहीं करते। किसी के दोनों पैर कट गए, एक हाथ को पैरालिसिस है, और वो भी अभी जीने की आशा करता है। किसी के एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी अभी जीने की आस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मृत्यु पसंद नहीं करते, और मृत्यु डेफिनेट, तो जो ना होने वाली वस्तु की हम यहाँ चाह रखते हैं, तो सबसे बड़ी बड़ी भूल तो अपने यह लग रही है कि मृत्यु होगी और मरना नहीं चाहते। कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहाँ कभी मृत्यु होती ही नहीं थी, कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। एक माई लगभग 65 से ऊपर की उम्र की, और उसको एक बहन ने यहाँ आश्रम में ही उसको ताई कह दिया, बुढ़िया कह दिया। वनों कहती है, अच्छा मई बे बुढ़ी होगी, दांत नहीं उसका, शलवर पड़ रही सारे शरीर मुंह पे। तो कहने का भाव ये है नहीं उसका दोष नहीं, हर प्रत्येक व्यक्ति यूं चाहता है कि मैं युवा बना रहूं, वृद्ध अवस्था ना हो और मृत्यु ना हो, और यहाँ दोनों डेफिनेट। इसके लिए परमात्मा बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता 7 के मंत्र 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो साधक जरा और मरण से, जरा मीन वृद्ध अवस्था बुढ़ापे का कैर, और मृत्यु, इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को, यानी सब उस तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान से और पूरे सभी कर्मों से परिचित हैं। वो किसी भी वस्तु की यहाँ डिमांड नहीं करते, वो ये चाहते हैं कि हमारी जन्म मृत्यु समाप्त हो, और वो लोग जहाँ पर जाने के बाद वृद्ध अवस्था नहीं होती वो प्राप्त हो। तो गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, उसने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानकर, सारे दातुम से परिचित, सब कर्मों को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्ब्रह्म, वो क्या है वो तत्ब्रह्म? गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म, आज सुबह भी सुना था आपको, 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा ये परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, इसको सत्य पुरुष कहो, सत्य माने अविनाशी, और इसको पूर्ण ब्रह्म कहो। ये पर्यायवाची शब्द, उपमात्मक शब्द हैं परमेश्वर के।
तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में इन तीन प्रभुओं की स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि सबसे श्रेष्ठ वो सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है, वो परम अक्षर परम है। परमात्मा हमें यहाँ आकर बताते हैं, मेरे अंसा भाई अंश रूप था जब तू आया, जब तू सतलोक से आया तेरी ऐसी दुर्गति नहीं थी, तू इतना कंगाल नहीं था भक्ति का। आज तुम भक्ति के कंगाल बना दिए, भक्ति दन से कति रहित कर दिए इस काल भगवान ने। ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ये आप ही से एक टैक्स लेता है, उससे अपने ब्रह्मांड चला रहा है। यहाँ की नीति इस ब्रह्म से लेकर सर्वपुरुष से लेकर और नीचे तक राजा तक की एक जैसी नीति है। जैसे यहाँ से पुनकर्मी प्राणी ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ जब ये जाता है इसके पुण्य, इसकी साधना, इसकी भक्ति धन साथ होता है और वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक इज ए रेस्टोरेंट, वो एक होटल है, उसका मालिक ये काल है ब्रह्म, और होटल का मालिक जो चार्ज करता है, जो उनको खाने को देता है, उसमें से ही अपनी कमाई करता है, उस कमरे का रेंट लेता है, तो वो सब चार्जेज आपसे लेकर के वो तो अलग, फिर आपके खाने पीने पर जो खर्च होता है आपकी कमाई वो अलग, तो वहाँ से अपना जो टैक्स वो अलग रख लेता पुनों को, जिससे अपना ब्रह्मांड चला रहा है। और आपको वहाँ खाली करके खोखा और नरक में भेज देता। तो पुण्यात्मा ये ज्ञान भगवान ने स्वयं आकर दिया परमेश्वर ने। हम कैसे फंसे इस काल के जाल में, हम सभी तो आज आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। जैसे आज सुबह का सत्संग था, भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सब दा। अब वो दाता कुल सब का जो दाता है, सबका पालनहार है, वो परमात्मा है कौन? अब उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को और परमेश्वर कबीर जी की वाणी को या परमात्मा परिचित जितने संत हैं उनकी अमर वाणी को आप नहीं समझ सकते, उसका अनर्थ ही कर सकते हैं। तो आप जी को परमात्मा की उस मास्टर की का ज्ञान कराते हैं। मास्टर की माने मुख्य चाबी। सृष्टि रचना परमात्मा को पहचानने की एक मास्टर की है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे और उस समय ये ज्ञान प्रदान किया करते थे, उच्चारण किया करते थे, अपनी अमृतवाणी से बोलते थे, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था, लिखा था, और वो लिखा हुआ आज हमारे पास पवित्र कबीर सागर जी के अंदर, पवित्र कबीर जी की साखियों में, पवित्र शब्दावलियों में हमारे पास उपलब्ध है और पवित्र कबीर बीजक में। वैसे कबीर बीजक कबीर सागर से ही निकसित एक अलग से ग्रंथ उन्होंने वाणी छांट कर बना ली। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया था और उस समय परमेश्वर स्वयं कहा करते थे कि तुम जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये समर्थ परमात्मा नहीं है, ये केवल आपको अपना किया कर्म ही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ये प्रभु नहीं कर सकते, इनका भी विनाश होगा और इनके आश्रित प्राणी भी विनाश को प्राप्त होंगे। तो ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ।
और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो पुरुष बताए हैं, सर्वपुरुष ये ब्रह्म है, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी इसी को कहते हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये दोनों पुरुष नाशवान है, दोनों भगवान नाशवान है प्रभु, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। केवल आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। उस समय इन नकली गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर कोई जाति विशेष से नहीं है पुणात्मा, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाणे और पंडित सोए जो पिंड की जाने। जैसे पहले कोई वैद होता था, बहुत ही अच्छा वैद था, नब्ज नाड़ी देख करके रोग जान लेता था, अच्छी औषधि देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैल गई, उसके एक दो पीढ़ी तक भी वैद्यगाई करते रहे, उसके बाद उनके अनुयायी जो है वैद का काम करना छोड़कर अन्य कार्य करते हैं, तो भी वे अपने साथ में वैद लिखते हैं। जैसे राज सिंह वैद, और वो दुकान खोल रहा है परचून की, धर्म सिंह वैद वेल्डिंग सेट ले रहा है और वो भी वैद लिख रहा है, एक टायर पंचर लगा रहा है वो भी लिख रहा है कृपा राम वैद, जबकि उनके पूर्वज तो वैद थे, अब वो वैद नहीं है, वो केवल सरनाम बना लिया उन्होंने सरनेम। ऐसे ही जो ब्राह्मण पंडित अब वर्तमान के हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, तो सिर्फ उस वैद लिखन लागे शर्मा और पंडित, ये वो पंडित ब्राह्मण नहीं है। ये क्रिया करते हैं, कोई खेती करता है तो ब्राह्मण वो भी लिखता है, किसी ने कोई और दुकान खोल रखी है वो भी पंडित जी लिखता है, तो ये पंडित नहीं है, वो तो उस वैद वाली परंपरा से लिखन लायक गए। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण परंपरा से संबंध रखते थे, संसारिक शब्दों में कहें कि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे, गांव पैंतावास बड़ा, जिला भिवानी, भिवानी से दादरी रोड के ऊपर, दादरी से 10 किलोमीटर पहले जाते समय, एक भिवानी से जाते समय राइट हैंड को एक बड़ा पैंतावास गांव है, सड़क से भी 1.5 किलोमीटर अंदर की ओर मेन रोड से, तो वहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। वो 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले गए थे। आगे उनको कबीरपंथी संत मिल गए, और मेरे जो दादा गुरुजी थे, यानी मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पूज्य गुरुदेव, वो गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला के जाट थे, और उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण कर ली, वो भी घर छोड़कर चले गए थे 15-16 साल की आयु में। उनके गुरुदेव ने, हमारे दादा गुरुदेव के गुरुजी ने उनको शिक्षित करा दिया था, वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे, और वो जाट होते हुए अपने अपनी जो पदवी लिखते थे, अपनी डिग्री लिखते थे, पंडित चिदानंद, आज उनका आश्रम है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत खरखोदा के पास, एक गोपालपुर गांव है, गोपालपुर गांव में मेरे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव यानी हमारे दादा गुरुजी का आश्रम है, उसके ऊपर लिखा हुआ मोटे अक्षरों में पंडित चिदानंद जी आश्रम, यानी वो जाट होते हुए पंडित लिखते थे, हमारे गुरुजी ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण नहीं संत लिखते थे, स्वामी लिखते थे, वो कहते थे ब्राह्मण नहीं हूँ मैं संत हूँ।
तो यहाँ ब्राह्मण उसको पंडित उसको कहते हैं जो गुरुपद पर और वैसे जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। वैसे तो परमात्मा कर ने डेफिनेशन बता दी, पंडित सोए जो पंडित की जाने, ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने, वो ब्राह्मण होता। तो हम ब्राह्मण हो गए, हम ही पंडित हो गए, क्योंकि हमने खोज लिया उस भगवान की, भगवान को ढूंढ लिया, पहचान लिया उस मालिक को। तो अब हम इसलिए डिफाइन करना पड़ता है कि कोई वेदक ना जा बीच में, ताकि तो ब्राह्मणा ने बूढ़ा बतावे। तो वो नकली जो ब्राह्मण थे, जो वेदों से परिचित नहीं थे और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं थे, पवित्र गीता जी के ज्ञान से वो परिचित नहीं थे, वो विरोध किया करते थे परमेश्वर कबीर देव जी का कि कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को नहीं समझ सकता, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जिस कारण से ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, हमारे देवताओं को हीन बताता है, इनको नाशवान बताता है, ये निकम्मा व्यक्ति है, इसकी बातें मत सुनना। और पूरे हिंदू समाज में कबीर परमेश्वर जी का बहुत विरोध करवा दिया और भी बहुत सारी अफवाहें उनके साथ जोड़ दी। उद्देश्य उनका ये था कि कोई भी कबीर जी के निकट ना चला जा, और कबीर जी के निकट चले गए तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, धर्म दास ये जग बोरान कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा सबसे कहिए एक राम नियारा। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले ये बता रहे हैं कि हे धर्मदास, ये पूरा समाज पूरा विश्व विचलित है, किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं, कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। एक धर्मदास नाम के बहुत श्रद्धालु थे और उसका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जिस कारण से वो श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी के कट्टर पुजारी थे। ब्रह्मा जी की तो पूजा कोई करता नहीं, लेकिन विष्णु जी के वो श्री विष्णु जी के वो कट्टर पुजारी थे। भगवान शंकर को भी सामान्य दृष्टि से देखते थे, जैसे हम सभी हिंदू ऐसे ही करते थे। और जैसे भी उन्होंने एक गुरु भी धारण कर रखा था रूपदास जी, अपने रूपदास गुरुदेव जी के बताए मार्ग अनुसार वो हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते थे, राधे राधे श्याम राधे सीताराम राधे श्याम, और ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये पता नहीं कितने नमः बना रखे इन्होंने। तो ये सभी जाप किया करते थे वो सब। परमात्मा अपनी लीला अनुसार अपनी महिमा अनुसार जो लीला करता है, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा कौन है। देखो पुण्यात्माओं, वेदों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत ही आदर की दृष्टि से मानता है, और पूरा हिंदू समाज वेदों पर आधारित है। उसके बाद उसी के समांतर पवित्र 18 पुराणों को भी हम सामान्य दृष्टि से आदरणीय दृष्टि से ही देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को भी हम एक बहुत पवित्र सदग्रंथ मानते हैं। अभी उन सदग्रंथों में क्या क्या मैटर है, क्या विवरण है, ये आज तक हमें नहीं पता था। हम ये अवश्य मानते थे कि वेदों में जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, वो सत्य है, और वेदों में कौन सी मेडिसिन की वो तो है नहीं, वो बुक वो तो भगवान ने के विषय में जानकारी है सारी। वो परमात्मा कौन है,
वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा करता क्या है, वो लीला करता क्या है, किस रूप में रहता है, ये सारा ज्ञान वेदों में लिखा था। लेकिन वेद संस्कृत में थे और संस्कृत भाषा का जानने का अधिकार केवल एक वर्ग को था, एक वर्ग को था, ब्राह्मण को। अब इन ब्राह्मणों ने जैसा भी ऋषियों ने पढ़ा अपने वेदों को, ये नहीं समझ सके वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि इनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। अब देखो, इन्होंने वेदों को पढ़ा और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोला है, वो तत्व ज्ञान है और उसमें यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ है। और उसके जानने के बाद फिर तू सर्व प्रकार से कर्मों से मुक्त हो जाएगा, वो है तत्व ज्ञान। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से याचना करने से, प्रार्थना करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से अपरिचित हूँ, नहीं तो एक 18 अध्याय लिखे, 19वां और लिख दो यूँ तत्व ज्ञान भाई, उसको पता ही नहीं था इसके बारे में। ऐसे ही चारों वेदों का सारांश है पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेदों का। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक दो बार गवाही दी है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात, असंभवात माने जो जन्म नहीं लेता यानी निराकार है, और कोई उसको कहते हैं संभवात जैसे राम और कृष्ण रूप में जन्म लेकर प्रकट होता है वो साकार है। कहते हैं भगवान साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो, वो सही सही बताते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए वेदों में लास्ट में लिखा है नेति नेति। नेति का अर्थ होता न इति, इति माने एंड अंत, न माने नहीं। हमने जो ज्ञान दे दिया ये पूर्ण नहीं है, ये इतना ही नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं। तो इन महापुरुषों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, जैसे ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव जी ने, इन सभी ने वेदों को पढ़ा और वेदों में भी पढ़ने के लिए ड्यूटी लगा दी ब्रह्मा की कि आप इनको पढ़ो और अच्छी तरह समझो और हमें समझाओ। तो ब्रह्मा को ब्राह्मण कहने लगे, ब्रह्मा के वंशज जितने थे ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को भी अपनी तरफ से जैसा भी उन्होंने वेदों को समझा वो ज्ञान बता दिया, तो उसके वंशित सारे ब्राह्मण कहलाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जो विष्णु और शिव जी को ज्ञान दिया उन्होंने फाइनल मान लिया कि जो इन्होंने ठीक पढ़ा है वेदों को ऐसा ही होगा। यही परंपरा फिर आगे चलते हुए आ गई, इन वेदों को पढ़ने का केवल अधिकार ब्राह्मणों को रह गया, संस्कृत भाषा को यही जानते थे, अन्य नहीं जानते थे। अभी कुछ समय पहले भी अपने भारतवर्ष में संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, अन्य जाति का ब्राह्मण नहीं, कोई भी व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। भारतवर्ष में एक काशी विद्यापीठ रही है काशी में, उसमें केवल ब्राह्मणों के ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। और एक यहाँ कड़ौली गांव है खरखोदा के पास, कड़ौली जिला सोनीपत में, कड़ौली गांव का एक निश्चल नाम का बच्चा था, उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा को जानूं और फिर सदग्रंथों को समझूं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बताऊं। ये ब्राह्मण वर्ग ने तो केवल इसको अपनी रोजी रोटी तक सीमित कर लिया। इस उद्देश्य से उस किसान के जाट के पुत्र ने एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया नंबरदार तय कि ये निश्चल दास ब्राह्मण वर कुल से संबंध रखता है, इस गांव का रहने वाला है, और वो बनवा कर चला गया
काशी विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया। वहां उसने विद्या ग्रहण की और पूरी यूनिवर्सिटी में एक नंबर पावे, फर्स्ट सटेंड करे, अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। जब वो चलने लगा तो उस काशी विद्यापीठ के प्राचार्य की एक कन्या विवाह के योग्य होगी थी। अब वो लोग जैसे आजकल विद्या केवल रोजी रोटी के लिए ही उद्देश्य बनाकर ग्रहण की जाती है, जैसे कोई डॉक्टरी डॉक्टर की लाइन में जाता है रोटी रोजी के लिए, इंजीनियर लाइन में जाता है रोजी रोटी के लिए, अध्यापक लाइन की कोई कोर्स करता है रोजी रोटी के लिए, तो उसी तरह विद्या का उस समय प्रयोग करते थे ब्राह्मण वर्ग कि ये अच्छा विद्वान बच्चा है और खूब धन कमाओगा, बढ़िया बोलना आता है, संस्कृत बहुत अच्छी बोलता है, और गणे लोगों ने मूर्ख बना के खूब धन कमाओगा, तेरी बेटी सुखी रहेगी। वो निश्चल नाम था उस बच्चे का। उसने कहा कि प्रिंसिपल जी, अब मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने क्षेत्र में सफल हो। तो उसने कहा बेटा क्या तू मुझे गुरु दीक्षिणा नहीं देगा? उसने प्रिंसिपल ने कहा, मुख्य प्राचार्य ने। निश्चल ने कहा जी गुरुदेव हम आपको क्या दे सकते हैं, और जो आपकी आज्ञा हो बोलो। कहने लगा भाई वचनबद्ध हो जा, कदे फिर जा। वचनबद्ध हो गया जी कि मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ करना चाहता हूँ, मना मत करना। अब यहाँ फंस गया धर्म संकट में कि कल न पता लगेगा घर के कूटेंगे और सारा समाज विरोध करेगा, ये ब्राह्मण वर्ग विरोधी हो जाएंगे। तो उसने साची बतानी पड़गी कि प्रिंसिपल जी मेरी बात सुनो। उसने सारा कहानी बता दी कि मैं किसान का पुत्र हूँ, जाट का, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, और मैंने ये झूठा सर्टिफिकेट बनवाना इसलिए ज़रूरी समझा कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ था और इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझ के वेदों को जनता में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना चाहता हूँ। मैं शादी भी नहीं कराना चाहता था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करूँगा, मैं इस उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। फिर वो प्रिंसिपल लाल पीला हो गया, उसने बहुत खरी खोटी सुनाई और श्राप दे दिया और वचन ले लिया कि वचनबद्ध हो कि संस्कृत भाषा में ना तो कोई प्रवचन करेगा और ना ही कोई लेखन कार्य करेगा। उसने कहा ठीक है गुरु जी, जैसे आप कहोगे। अब उसके बाद निश्चल दास जी ने दादू पंथ में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। आदरणीय दादू साहेब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे, पूर्ण परमात्मा। 7 वर्ष के दादू जी थे तब परमात्मा को मिले थे, उनसे भगवान के बारे में चर्चा की, बड़े इंटरेस्ट दिखाया, वो पुण्यात्मा थी पिछले संस्कार से। तो दादू साहेब जी एकदम प्रभावित हो गए और चरण पकड़ लिए, प्रभु आपकी बातों में बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे भगवान दिखाओ। सतलोक में लेकर गए उनकी आत्मा को, बेहोश हो गए, अचेत हो गए, उनका शरीर नहीं रहा, आत्मा नहीं थी उसमें, शरीर जीवित रखा लेकिन जैसे कोमा में होता है ऐसे कर दिया। घर वालों को पता लगा, जंगल में बाहर बच्चा था, उठा लाए घर पे रखा, 3 दिन तक नाड़ी पकड़ देखते रहे, नाड़ी चल रही है, बच्चा अचेत है। 3रे दिन 3 दिन 3 रात ऐसे ही रहा, फिर परमात्मा ने सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखा के वापस छोड़ दिया। तब दादू साहेब जी खड़े हुए, देखा तो ऊपर जो देखा था सारा कुछ परमात्मा ने, जो उसमें ज्ञान फीड कर दिया था परमात्मा की महिमा, उसने बोलनी शुरू कर दी थी। उसके बाद उनका बहुत बड़ा पंथ बन गया था उस समुदाय में। उस निश्चल दास ने दीक्षा ली फिर, और फिर एक अपनी जैसा भी उन्होंने वेदों को तो पढ़ा अवश्य, लेकिन लिखा नहीं संस्कृत में, उसने फिर संत भाषा में, जैसे संतों की भाषा दो है शब्दावली होती है, ऐसे उसने एक निश्चल ग्रंथ बनाया। और उस निश्चल ग्रंथ में भी वो सारांश नहीं था उसके पास, या उद्देश्य कहने का दास का ये है, मैंने खूब पढ़ा उनका, अध्ययन किया इन सबके सदग्रंथों, उसके उस निश्चल ग्रंथ में भी कुछ भी ज्ञान नहीं वेदों और गीता का,
जैसे आम ब्राह्मण वर्ग हुआ बाई बकते हैं ऐसा उसने बक रखा था, क्योंकि संस्कृत के पढ़ने से चाहे जाट पढ़ो चाहे ब्राह्मण पढ़ो वो सदग्रंथों से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते जब तक हम इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे, क्योंकि वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता में भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं, तो उसमें ये एक विशेष वो था कि इन ऋषियों ने ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से जैसा ज्ञान ग्रहण किया था उसी के आधार से वक्ता बनकर 18 पुराण बना दिए। यो 18 पुराणों का एक ही ज्ञान है, फिर कुछ तो ब्रह्मा से ग्रहण किया हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव किसी से इधर उधर से सुना सुनाया, उसका अलग से एक राइटर ने वक्ता ने अपना अपना ज्ञान वो बना दिया, पुराण बना दी। इन सब का केवल राइटर जो है वक्ता कोई और है, पुराणों का राइटर केवल वेद व्यास है। राइटर तो पवित्र चारों वेदों का भी वेद व्यास है, लेकिन वेद व्यास इज नॉट राइटर ऑफ वेद। एक तो लेखक होता है वो आप बना के लिखे, वो केवल एक कॉपी करता समझ लो, एक कॉपी की है वेदों की, लेकिन वेदों का वक्ता पूर्ण परमात्मा है। उस और उसने अपने बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए इन पांचों वेदों को इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिया था सर्वपुरुष के काल के, और फिर उसका समय निर्धारित कर दिया था अपने विधान से, उसके बाद अपने आप इसके श्वासों से वो बाहर आए थे। इस काल भगवान के श्वासों से ये पांचों वेद अपने आप बाहर आए थे, जैसे जैसे माता को गर्भ रहता है 9 महीने के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, ऐसे परमात्मा ने वेदों का बीज इसके अंतःकरण में डाल दिया था काल के में, और फिर अपने आप ये पांचों बाहर आ गए थे। जैसे आज कंप्यूटर में आप देखते हो इस वेबसाइट में कितना ही मैटर फीड कर दो और कितना निकाल लो, मिनट में निकला होगा, तो ऐसे ही वो मैटर मालिक ने दिया था। तो इसने पांचवा वेद तो नष्ट कर दिया ब्रह्म ने, जब देखा इसमें तो सारा कुछ मेरी पोल पाट रखी है और 4 वेद रख लिए, तो इन 4 वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है। ब्रह्म तक की साधना का तो ज्ञान है और पूर्ण परमात्मा की महिमा है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप पवित्र 4 वेदों में पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है, कोड वर्डों में है, सांकेतिक शब्दों में। तो क्या था, अब इन ऋषियों ने जैसा भी वेदों को समझा, लेकिन उन्होंने क्या समझा कि ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान लिया, पूर्ण परमात्मा, और इसका ओम मंत्र ये सबसे उत्तम मंत्र मान लिया, ओम मंत्र का जाप किया, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखा, और इन्होंने जो भी साधनाएं की, हठ योग किया, मेडिटेशन किया, लेकिन वेदों में हठ योग नहीं है। पुणात्माओं, आप बालक नहीं है, आज कलयुग में जन्मा और इस समय में मनुष्य बहुत बुद्धि रखता है, कंप्यूटर बना लिए, इंटरनेट सेट कर दिए, वेबसाइट बना ली, अब भगवान की तरफ थोड़ी सी इस बुद्धि को लगाना पड़ेगा अपना, ये इंटरनेट गणे दिन के नहीं है। अगर 2 वर्षा ना हुए ये जहाज भी खड़े खड़े जरे उन प्लेटफार्मा पे, और ये कंप्यूटर भी बार करोड़ियाँ वगैरहने पड़े, ये कोई नहीं नपड़निया पावे, ऐसा बुरा हाल हो जा। तो परमात्मा इज सुप्रीम पावर, परमात्मा ही सर्व सुखदायी है, उसको पाकर हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ हमने इन सुविधाओं की जो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं तगड़मबाजी करके प्राप्त करने की, वहाँ हमें ऑटोमेटिक मिलेंगी, और हम वहीं रहा करते थे, हम अपनी गलती से वो यहाँ आगे उसका दंड भोग रहे हैं, हम एक एक पैसे के भिखारी हो गए, एक एक दाने का हम भिखारी बन गए, और वहाँ हमारे सामने भरे पूरे भंडार थे, सदाबहार वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे, किसी चीज़ का अभाव नहीं था, सरोवर भरे थे दूधों के, शतलोक के अंदर अमृत आहार किया करते थे,
हम उस बड़ी थाली का ठोकर मारे, उसके प्रतिफल में आज हम सारा जीवन लगे रहते हैं इस एक पेट के लिए, शरीर के लिए, यही पूरा नहीं होता और मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है कि हम ये हठ योग जो है किसी भी वेद में नहीं है। ये हठ योग इन्होंने कैसे शुरू कर दिया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में लिखा है। ब्रह्मा जी बताता है कि मैं जब होश में आया, युवा था और कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति कर्ता कौन है। और फिर वहां से आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ने तप किया, फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। सुख संवेद में कह ब्रह्मा को काल ने कह दिया तपो तपो कर वाक्य सुनाया। अब ब्रह्मा जी को जो आकाशवाणी सुनाई दी, इस काल ने बोल दी, ये गुप्त रहता है, ऊपर छुपा हुआ रहता अपनी माया से। आकाशवाणी से सुना दिया कि तप करो, तप करो। तो इसने नोट कर लिया कि भगवान का आदेश है, तप करो। इसने हठ योग कराया 1000 वर्ष तक। उसके बाद जब ये तीनों बच्चे युवा हो गए, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति काल ने की थी, अभी बताएंगे डिटेल से, अब थोड़ा हिंट दे रहे हैं किस कारण से ये ज्ञान को नहीं समझ सके। उसके बाद इन्होंने बाद में सागर मंथन किया और इस काल ने ये चारों वेद ब्रह्म ने समुद्र के अंदर छुपा दिए। ये एक बहुत सुंदर एक ऐसे पेपर पर लिखे हुए थे, बहुत ही अच्छे पेपर पर, जिस पर पानी का भी असर नहीं होता, जैसे आजकल प्लास्टिक के ये प्रिंट चल रहे हैं इस तरह के, बहुत सुंदर उस पर लिखा था। वो चारों वेदों को प्राप्त किया, ब्रह्मा को दे दिए गए कि आप देखो इनको। अब ब्रह्मा ने उन चारों वेदों को पढ़ा, उसमें ओम नाम था और ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान के और ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान करके उसने वेदों का निष्कर्ष यही निकाल दिया कि ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और ब्रह्म परमात्मा है, ये सब कुछ यही है। अब वहाँ ब्रह्मा की बुद्धि सिलप कर गई, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें और 11वें 12वें 13वें 4 श्लोकों में एक निर्णायक ज्ञान दिया है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात यानी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न ही नहीं होता, वो निराकार कहता है, और कोई उसको संभवात माने उत्पन्न होने वाला मानता है। साकार है वो या निराकार, इसकी जानकारी इस तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो, उनसे सुनो। फिर बताया है कि जिसको अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, जिसको अविद्या है तो उसको अविद्वान कहते हैं, जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है कहते हैं विद्वान, और अविद्वान की डेफिनेशन भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे सुनो। तो ये दास बताएगा आपको विद्वान कौन था, अविद्वान कौन थे। जो वेदों को जानते हैं वो विद्वान हैं, जो वेदों का ज्ञान नहीं जानते संस्कृत भाषा से विद्वान नहीं बन जाते। जो आज संस्कृत जानता है उसको इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ इंग्लिश में अविद्वान है वो। तो एक भाषा का मास्टर होने से विद्वान नहीं बन जाता, विद्वान वही कहलाता है जिसको अध्यात्म ज्ञान है, जिनको परमात्मा की जानकारी होगी और उसके पाने की विधि का पता लग गया। तो पुण्यात्मा, जिस कारण से अब ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान उनको दे दिया, अपने अनुयायियों को, वंशजों को, तो उन्होंने ओम का जाप किया, हठ योग किया, समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की। अब इसने कैसा कमाल कर रखा काल भगवान ने, अब ऋषियों ने साधना करनी चाहिए हठ योग करके, तो समाधिस्थ होने की चेष्टा की। समाधि दशा में ये काल भगवान क्या करता है, कैसी लीला करता है, किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो ऋषि कहता है कि ये ब्रह्मा जी जो साकार वहाँ उनके सामने रहते थे,
कि ये ब्रह्मा जी सुप्रीम पावर हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं, मैंने इनके दर्शन समाधि दशा में हुए हैं। और भी दो चारों को ऐसा ही आभास हो गया, दिखाई दे गए वह, तो उन्होंने भी डंडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, ये प्रजापिता हैं, ये सर्वशक्तिमान है, ये है। इस बात का भ्रम हो गया ब्रह्मा जी के कि मैं ही सृष्टि रचने वाला हूँ। फिर कुछ एक ऋषियों को ने जब साधना की, उनको दर्शन दे दिए समाधि दशा में, समाधि में विष्णु जी के रूप में, उन्होंने डंडोरा पीट दिया कि ये विष्णु जी, सद्गुण विष्णु जी, ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये छुपाए बैठे अपने आप को, और जो सैकड़ों की संख्या में उन्होंने उनका डंडोरा पीट दिया। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड, और कुछ से को उन्होंने शंकर जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उन्होंने ये सारा डिक्लेयर कर दिया कि शंकर भगवान इज कंप्लीट गॉड, समाधि में मैंने भगवान शंकर के दर्शन किए। तो इन तीनों को अपने अपने आप में ये भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं, और इसी बात पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूं। विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, तू मेरी नाभि कमल से निकला है। इस बात पर इनका युद्ध हुआ। फिर बीच बचाव करने के लिए ये स्वयं काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। शिव पुराण के अंदर इसका बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है। फिर इन दोनों से कहा कि पुत्रों, तुमने अपने आप में अपने आप को भगवान मान लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है कि तुम भगवान नहीं हो। अपुण्यात्मा, 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे न होवे मुक्ति। तो 600 वर्ष पहले ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं, इनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकी, तो पिटन के काम तो थे, क्योंकि इन्होंने तो सब भ्रमित कर रखा था कि ये सुप्रीम पावर हैं, ये अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और आज परमात्मा की वो वाणी साची हुई, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण, निर्वाण पद मोक्ष मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम निहारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार।